वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है इस हफ्ते में रिलीज होने वाली या हो चुकी बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज। एंड ये इस हफ्ते की लिस्ट का पार्ट टू है। बाकी इस हफ्ते में फ्राइडे को और भी बहुत सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिसके बारे में इस वीडियो के पार्ट थ्री में बताता हूं। तो इस लिस्ट को शुरू करने से पहले, ऐसे ही हर हफ्ते ओटीटी कंटेंट के लिए अप टू डेट रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 15 पे है एक गुजराती साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी रकपीच, जिसे अप्रैल मंथ में थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी इसे Amazon प्राइम पे ऑन डिमांड रेंट पे रिलीज कर दिया गया है, जिसको देखने के लिए हमें कुछ रुपए पे करने पड़ेंगे। जिसकी कहानी का कॉन्सेप्ट तो कुछ टाइम पहले आई बॉलीवुड अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की मूवी चेहरे के जैसा होने वाला है, जिसमें एक बड़ी राइटर सेलिब्रिटी की कहानी है जो एक तूफान के कारण एक बड़े गैंगस्टर और कुछ और लोगों के साथ एक कैफे में फंस जाती है, जहां पे सभी उस लड़की को मारना चाहते हैं और सभी के अपने अपने कारण होते हैं उस लड़की के लिए नफरत होने के। तो कैसे वो लड़की सर्वाइव कर पाती है या नहीं, या उसके पास्ट में क्या राज छुपे हुए थे, वही इस मूवी का मेन की पॉइंट होने वाला है। इसके बाद नंबर 14 पे है काफ़ी टाइम पहले आई WWE रेसलिंग स्टार बतिस्ता के साथ बनी एक चाइनीज हिंदी डब एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी मास्टर जी द आईपी मैन लेगेसी, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए MVP एंटरटेनमेंट की ओर से Amazon प्राइम पे ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक बंदे की जो मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर बनना चाहता है, लेकिन मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट में हारने की वजह से सब कुछ छोड़ते हुए अपने बेटे के साथ एक आम जिंदगी जीनी शुरू कर देता है और एक दिन एक लड़की की कुछ बुरे लोगों से जान बचाता है, जिसके बाद वो लड़की उसे अपने फैमिली बार में जॉब दिलवा देती है। लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट के बाद सब कुछ बदल जाता है, जब उसका पंगा एक बड़े ड्रग लॉर्ड के साथ होने वाला है, जिसका करेक्टर बटिस्टा ने प्ले किया है। नंबर 13 पे है साउथ की पहली काइंड ऑफ साईफाई एक्शन थ्रिलर मूवी कैप्टन, जो अभी 8 सितंबर को ओनली थिएटर्स में ही एंड ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें पहली बार हमें एक थोड़े से एडवांस लेवल के VFX देखने को मिलने वाले हैं। बट अगर हॉलीवुड मूवी से कंपेयर करें तो उतने अच्छे नहीं है, बट इंडियन मूवी इंडस्ट्री और बजट के हिसाब से काफी बढ़िया दिखाई देते हैं। और कहानी एक आर्मी ऑफिसर की होने वाली है, जिसको एक स्पेशल साइंस एक्सपेरिमेंट वाली जगह पे ट्रांसफर किया जाता है, जहां पे कुछ एलियंस पे जेनेटिकल रिसर्च के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है और एक खतरनाक एलियन टाइप का जानवर ह्यूमंस के लिए खतरा बन जाता है, जिससे लड़ने वाला है हमारा ये आर्मी मैन, जिसका ट्रेलर तो बढ़िया लग रहा है, बाकी मूवी आने के बाद पता चलेगा। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई इंग्लिश डब क्राइम मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज एंट्रैप, जो ट्रैप नाम की ही सीरीज का थर्ड सीजन होने वाला है और 8 सितंबर को ओनली इंग्लिश डब में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी इसके सीजन 2 के कुछ सालों बाद की होने वाली है। जिसकी कहानी के शुरू में ही एक मर्डर होने वाला है जो एक रिमोट एरिया में होता है, जहां पे उस जगह पे कब्जा करने को लेके दो ग्रुप्स में काफी टाइम से लड़ाई होती आ रही है, बट दोनों की वजह अलग अलग होती है। एक ग्रुप के लोग शांतमय धार्मिक ग्रुप के हैं, जिन्हें यहाँ पे भगवान के करीब होने की फीलिंग आती है, जो इस जगह को पवित्र मानते हुए यहीं पे रहना चाहते हैं, और दूसरी ओर एक बाइकर गैंग जो इस लैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। तो इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन आगे कई मोड़ लेने वाली है, जो इस सीरीज को काफी बढ़िया और थ्रिलिंग बनाते हैं। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स की एक और नई सुपर हीरो हिंदी डब एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द इम्परफेक्ट्स, और 8 सितंबर को ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी शुरू होने वाली है एक पागल साइंटिस्ट के साथ, जो तीन यंगस्टर्स को जबरदस्ती अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाता है, जिसके बाद उनमें कुछ सुपर पावर्स आ जाती हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स वाली 11 के जैसे। लेकिन इन तीनों को बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए होती है, तो इन तीनों का बस एक ही मिशन होता है, उस पागल डॉक्टर को ढूंढ के फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीना। लेकिन इनके रास्ते में अभी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, जो इनको खतरनाक मानते हुए पकड़ना चाहती हैं, और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से बने कुछ और मॉन्स्टर्स जो इन तीनों के रास्ते में आने वाले हैं। तो एक्शन और एडवेंचर भरी सीरीज होने वाली है ये वाली। नंबर 10 पे है डिज्नी प्लस का दिन। अगर आपको नहीं पता तो 8 सितंबर को डिज्नी डे होने वाला है, जब बहुत सी नई वेब सीरीज एंड मूवीज को रिलीज किया जाने वाला है, और उसके साथ ही कई नई वेब सीरीज एंड मूवीज को अनाउंस भी किया जाने वाला है, जिनमें से ही रिलीज होने वाली एक पहली है कोरियन रियलिटी टीवी शो सीरीज द जोन सर्वाइवल मिशन, जिसे 8 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ओनली इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जो ज्यादा बढ़िया तो नहीं लेकिन एंटरटेनिंग जरूर होने वाली है, जिसे ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। नंबर 9 पे है डिज्नी प्लस एंड पिक्सर की एक नई 3D एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी कार्स ऑन द रोड, जिसे कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी 8 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डबिंग को लेके कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट उम्मीद जरूर है कि इसे हिंदी डब में इंडिया में रिलीज किया जाएगा, जिसका कन्फर्म तो हमें इसके रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, जो 8 सितंबर से हमें देखने को मिलने वाली है। नंबर 8 पे है कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई
डिज्नी पिक्सर की ही एक और 3D एनिमेशन एडवेंचर थ्रिलर मूवी पिनोकियो, जिसे अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही हिंदी डब में 8 सितंबर को रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 7 पे है मार्वल्स की सुपर हीरो एक्शन मसाला मूवी थॉर लव एंड थंडर, जिसे अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही हिंदी डब में 8 सितंबर को रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 6 पे है थॉर मूवी की बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री मूवी को भी 8 सितंबर को ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन वो हमें ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, जिसमें थॉर मूवी के बिहाइंड द सीन्स एंड डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स के इंटरव्यूज और उनको सेट पे शूट करते हुए भी दिखाया जाएगा और कैसे इस मूवी के VFX डिजाइन किए गए उनको भी साथ में ही दिखाया जाने वाला है, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की जाने वाली है। नंबर 5 पे है डिज्नी प्लस की ओरिजिनल स्टार वॉर्स की सीरीज Obi-Wan Kenobi Jedi's Return, जो अभी 8 सितंबर को ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही। अगर आप स्टार वॉर्स मूवी या सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मैंने कभी देखी नहीं तो ऐसे डिटेल्स के बारे में बताना मुश्किल है। लेकिन जो भी इसमें दिखाया जाने वाला है कि कैसे इस सीरीज के कैरेक्टर को वापस स्टार वॉर्स में लाया गया और कैसे उन्होंने इसकी शूटिंग की और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेनली Obi-Wan Kenobi सीरीज का बिहाइंड द सीन पूरा मसाला इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में देखने वाला है। नंबर 4 पे है बहुत पॉपुलर और 32 सीजन की कॉमेडी एनिमेशन सीरीज द सिम्पसन, जिन सभी के सभी 32 सीजन को डिज्नी प्लस उनके OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करने वाला है और 8 सितंबर को वेलकम टू द क्लब कहते हुए रिलीज करने वाला है। तो पहले जहां YouTube पे एक एक एपिसोड ढूंढते रहते थे, या पहले हमने इन कार्टून्स को ओनली TV चैनल पे ही देखा था, वो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम करने के लिए रेडी होने वाले हैं, लेकिन इन्हें हिंदी डब नहीं किया गया है तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखना पड़ेगा। नंबर 3 पे है अगस्त मंथ में रिलीज की गई मार्वल्स की एक सुपर हीरो एक्शन कॉमेडी वेब सीरीज शी हल्क, जिसके 3 एपिसोड अभी तक रिलीज किए गए हैं और अभी 8 सितंबर को शी हल्क का एपिसोड नंबर 4 रिलीज होने वाला है, जिसके एपिसोड नंबर 3 में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के गुरुजी देखने को मिले थे और अभी की अफवाहों की माने तो हमें डेयर डेविल भी देखने को मिलने वाला है एपिसोड नंबर 4 में। बाकी कन्फर्म तो 8 सितंबर को ही पता चलेगा कि ये प्रोमो कितना सही है या गलत। इसके हिसाब से हमें कई और नए सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स भी हमें शी हल्क में देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 2 पे है डिज्नी प्लस की स्पेनिश ओरिजिनल सुपरनेचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज टियरा इनकॉग्निटो, जो 8 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है, जिसके टोटल 8 एपिसोड एक साथ ही ओनली इंग्लिश डब में रिलीज किए जाएंगे, जिसकी कहानी एक भाई बहन की होने वाली है जिनके पेरेंट्स 8 साल पहले गुम हो गए थे। अभी ये भाई बहन उनको ढूंढने के लिए उसी थीम पार्क में जाने वाले हैं जहां पे उनके पेरेंट्स को आखिरी बार देखा गया था, जहां से ही उन्हें कुछ सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में भी पता चलने वाला है और आगे क्या मिस्ट्री निकल के सामने आने वाली है वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे फिलहाल ओनली इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। नंबर 1 पे है हुलू की एक नई डार्क क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज वेडिंग सीजन, जिसे 8 सितंबर को इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक लड़की केटी की होने वाली है जिसकी शादी के दिन उसका होने वाला पति और उसके सारे फैमिली मेंबर्स मरे हुए पाए जाते हैं। उन सब में से एक केटी ही जिंदा वहां पे मिलती है, जहां से इन कई सारे मर्डर्स की मिस्ट्री भरी कहानी शुरू होने वाली है। जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगता है कि केटी के लवर ने इन सबको मारा है और केटी के लवर को लगता है कि केटी ने इन सबको मारा है और उसके ऊपर से केटी को लगता है कि उसके एक्स हस्बैंड ने गुस्से में आके इन सब की जान ली है, लेकिन केटी की जान के भी पीछे कोई पड़ने वाला है तो कौन है असली कातिल और क्यों मारना चाहता है, इस बढ़िया क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज में हंसते हंसते देखिए। तो आज की अपडेट में इतना ही, और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूं। तो लाइक वाला बटन दबाए बिना मत जाना और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी कर ही लीजिए, और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।